सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तापस। बस आज कुछ नया सीखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में बात किया था कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक अपडेट के बारे में, कि किस तरह से आप दोस्तों घर से ही मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो आधार कार्ड से, उस वीडियो में बात किया था। तो दोस्तों अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों उस वीडियो में बात किया था कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक के लिए पोस्टिंग फो ऐप से भी आप सर्विस रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पोस्टिंग फो ऐप से किस तरह से आप सर्विस रिक्वेस्ट भेज सकते हो, फुल प्रोसेस दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे नहीं हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना क्योंकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहे। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे, तो इस सर्विस रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको यहाँ पे पोस्टिंग पो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो प्ले स्टोर से दोस्तों यहाँ पे पोस्टिंग पो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे डाउनलोड है, आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे ऐप का डाउनलोड कर सकते हो लिंक पे क्लिक करके। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही दिख रहा होगा सर्विस रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन जैसा यहाँ पे क्लिक कर दोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको आकर सर्विस रिक्वेस्ट करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे एड्रेस डालना है और यहाँ पे दोस्तों अपना पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करना है कि कौन सा सर्विस आपको चाहिए। तो यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करके तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल सर्विस सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस वाला ऑप्शन है, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आ जाएगा। और एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, तो यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एंट्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सर्विस सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा सर्विस आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे PLI ऑनलाइन पेमेंट ऐप ईमेल सर्विसेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से सब कुछ डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे ही रिक्वेस्ट OTP वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। तो वो OTP यहाँ पे डालने के बाद कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट ऐप नंबर। तो दोस्तों अगर ट्रैक करना चाहते हो तो दोस्तों इस ऐप नंबर से आप यहाँ पर दोबारा से ट्रैक कर सकते हो कि रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, या फिर आप मोबाइल नंबर से भी ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ट्रैक करना चाहता हूँ यहाँ पर क्लिक ट्रैक रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो जो भी दोस्तों यहाँ रैप नंबर दिया था वो डाल के यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, यहाँ पर मोबाइल नंबर दे के भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे और डालने के बाद ये फैच पे क्लिक करेंगे। देन जैसे ही फैच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मेरा ट्रैक हो चुका है और यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो है रिक्वेस्ट भेजा वो एक्सेप्ट क्या है कि नहीं। तो मेरा यहाँ पे दोस्तों फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे कॉन पे दिख रहा होगा कि प्लीज कॉन्टेक्ट टू नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे है काइंडली विजिट नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ऑन एरिया। तो क्योंकि दोस्तों मेरा यहाँ पे होम सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आपका अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट को ट्रैक करोगे तो एक्सेप्ट किया है कि नहीं यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो खुद पोस्टमैन जो है आके घर पे सर्विस दे के जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक के लिए किस तरह से आप सर्विस रिक्वेस्ट भेज सकते हो पोस्टिंग फो ऐप से। तो दोस्तों इस वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो से कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।